हमारे पीछे आप देख सकते हो टूरिस्ट भी आते हैं। और बात मेन बात ये भी यार कि मेरा देखो भाई कितना मैं दुबला हो गया हूँ, बूमर भी आ गए साथ में। सो गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो और हम लोग एक नया व्लॉग लेके आ चुके हैं। और यार मैं अभी लेटा हुआ था, सो रहा था, काइंड ऑफ आराम करवा रहा था क्योंकि मैंने भाई रात में बहुत देर तक एडिटिंग की व्लॉग की, तो मैं थोड़ा यार शहरी वगैरह करके नमाज पढ़ के फिर थोड़ा और एडिटिंग करके फिर मैं सो गया। बट भाई बंदा एक भाई मेरे को उठाने आ गया, मेरे को कॉल की थी, अपने कहा था इतनी जल्दी थोड़ी आ जाएगा, पर भाई यार यहाँ पर खट 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 कर करके ये भाई साहब आए उठा दिए हमें। हम आ चुके हैं क्या ही बताएं, कट रही है, बंद कर रहे यार। यार सो रही है क्यों सी, क्या भैया? और भाई रोजी को ऐसे बड़ा आनंद आता है, चाटो 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 चाटो, ये हाथ मुझे दे दे कातिया। नहीं बात करेंगे, छोड़ते हैं इनको ऐसे ही। कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या ही मैं हम शूट कर डालूं भाई, है नहीं? तो यहाँ पे हिमांशु लेटे हुए हैं, हम भी ऐसे ही लेटे हुए हैं वेले टाइप के। तो हिमांशु कह रहे थे कोठी जाने के लिए, तो कोठी जाए। तुम्हें आइडिया कैसे आया कोठी का? देखा था ना व्लॉग में। चलो भाई व्लॉग में देखा था, चलो अब रियल में दिखा दे चल के कोठी। आज अलाउ कर दें, धूप बहुत तेज़ है यार, देखो भयंकर धूप। तो गाइस फाइनली हम लोग बाहर आ चुके हैं और हम लोग कहीं जा रहे हैं। भाई धूप कितनी शिद्दत वाली हो रही है। तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं राजा की कोठी, जैसा कि आपसे वादा किया था हिमांशु को देखने के। तुम्हारा फर्स्ट टाइम होगा ना? नहीं बैग बैग गया तुम? बैग गए लेके नहीं चले, तुम ही लेके चले। अच्छा पता नहीं यार, याद नहीं है, इतनी पुरानी बातें हो गई हैं। भालू की खाल। सो यहाँ पे देख सकते हो आप, वही फील है, पर अभी यहाँ पे राशन वगैरह पड़ा हुआ है खेतों का बस। तो हमारे पीछे आप देख सकते हो टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पे। तो हाँ ये क्या है इस पर, ये हमको पता है फिसल जाते ना इस पर लोग, इसको सरसों बोलते हैं यार। सरसों है। सो गाइस फाइनली आ गए हैं अपन बैक ऑफ द कोठी, पर पतझड़ चल रहा है, स्प्रिंग सीजन चल रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पतझड़ हो रखा है। सो यहाँ पे बैठक भी है, बैठते हैं आराम से चिल करते हैं। पता नहीं है भाई, सूत्रों का तो यही मानना है। यही भाई यहाँ पे बस पुराने स्क्रब्स आपको बहुत करीब से दिखाते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्क्रब्चर, स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्ट कल्चर, स्क्रिप्चर्स बोलते हैं बुक्स को यार, और मोनूमेंट्स बोलते हैं इनको, फोर्ट जो होती है, विंटेज बिल्डिंग। फोटो फोटो के लिए तो भाई है। चिल कर रहे हैं मस्त एकदम, माहौल है नेचर का, अरब कोई यहाँ पे बोल ही नहीं रहा यार कुछ कि यार जाओ या कुछ भी, आराम से आके यहाँ पे चिल कर सकते हो और काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो चेयर भी भाई काफ़ी कंफर्टेबल है, राजा वाली फील ले रहे सस्ते में। फाइल अपडेट मस्त, तुम्हें कैसा लग रहा है? सो गाइस अभी बज चुके हैं 6:15 और भाई पूरा दिन हो गया है और रोजे, भाई रोजा हमारा कंटिन्यू है। और दोपहर में हिमांशु आया था, काफी सही रहा,
और अभी मैं थोड़ा बहुत वर्क कर रहा था। और हाँ यार, और बात मेन बात ये भी यार कि मेरा देखो भाई कितना मैं दुबला हो गया हूँ, मतलब रोज़े की वजह से नहीं, एक महीने से मैं जिम नहीं जा पा रहा था, मेरा वेट तो लूज़ हो ही गया, अब रोज़े में और अच्छे से मेरी बॉडी का इंटरनल फंक्शन सब सही हो जाएगा। और हाँ यार, अभी टाइम हो रहा है इफ्तारी का, तो इफ्तारी चलते हैं और आप लोग भी दिखाते हैं भाई क्या क्या बन रहा है, मतलब बन चुका है। और अल्लाह थोड़ा हेल्प कर देते हैं भाई, अम्मी बुला रही थी अभी, तो नीचे चलते हैं और दस्तरखान वगैरह लगाते हैं और इफ्तारी करते हैं जल्दी। सो या नहीं कि इस बार रोज़ों में इतना कुछ लग नहीं रहा है और काफ़ी स्मूथ जा रहे हैं रोज़े, मतलब सही रहा है, मतलब कभी ऐसा होता नहीं था, शाम टाइम तो बहुत दिक्कत होती थी, बट बताए अल्लाह के करम से ना क्या सही हो रहा है सब। सो हाँ, फाइनली हम लोग आते हैं चौराहे की साइड टहलने के लिए। थोड़ा मैंने सोचा था कुछ खाऊंगा दिल के, बट यार कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या खाऊं, अब तो डायरेक्ट खाना ही खाना पड़ेगा यहाँ, समझ नहीं आ रहा मेरे को भाई, तो फास्ट फूड वाला कुछ रिवाइव नहीं आ रही है। अब सारी तो खा ली है बट इतनी भी नहीं खाई है कि जगह ना हो। यहाँ पे हमारे बूमर भी आ गए हैं, हम लोग अकेले चल रहे थे, बूमर भी आ गए साथ में, आ जाओ बूमर आ जाओ, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है बूमर से। शो बूमर का इंतजाम हम ले आए हैं, पार्ले जी जेब में रखे हमारे, तो इनको खिलाते चलेंगे कहीं आगे। हाँ यार तुम डर क्यों रहे हो, डरता बहुत है यार ये। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने भाई ईशा की नमाज़ पढ़ ली है और भाई कतई रोज़ों वाली फील आ रही है, मज़ा आ रहा है भाई। और अब हम लोग चल रहे हैं थोड़ा कुछ, यार नमाज़ पढ़ते हुए मेरे को तो लालच ऐसा आ रहा था, चॉकलेट खाने का मन कर रहा था, तो हम लोग चॉकलेट लेने चल रहे हैं और किट कैट लेंगे, पता नहीं मेरी नींद गायब हो जाएगी, मुझे पता है चॉकलेट नहीं खानी चाहिए रात में टाइम, बट खाएँगे अपन। सो होपफुली दुकान खुली हो तो ज़्यादा सही रहेगा। चलो भैया शॉप खुली हुई है, चलते हैं, ये बढ़िया चटपटी चीज़ें मिल रही हैं आपको। तो यहाँ पे किटकैट रखी हुई है, एक चाहिए अपन को और ठंडी है काफ़ी। तो गाइस फाइनली अपन पहुँच चुके हैं घर के पास। अगर आप उजी फैमिली से जुड़े हुए हैं, मेंबर हैं और उजी के ब्लॉग्स को पसंद कर रहे हैं और अच्छे लगते हैं आपको ब्लॉग्स, इसको इस ब्लॉग को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ाओ भाई, शेयर करो, सब्सक्राइबर बढ़वाओ मेरे भाई। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।